नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता ठाकुर, इंस्टीट्यूट ऑफ हॉलिस्टिक मेडिसिन इंदौर से। तनाव आजकल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन के रह गया है, और ये तो हम सभी जानते हैं कि तनाव के कारण अनेक शारीरिक और मानसिक रोग होने लगते हैं। कई बार ये तनाव इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूटने लगता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। लेकिन हम इस तनाव से बचे कैसे? इस तनाव से बचना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम नहीं बचेंगे तो इसके कारण क्या होता है कि इस तनाव का प्रभाव हमारे परिवार पर पड़ता है, परिवार के सदस्यों पर पड़ता है, और वही रोज़ की चिड़चिड़, रोज़ की झिकझिक से परेशान होकर के अक्सर कई घर टूटने लगते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले इस तनाव को दूर करना है। लेकिन इस तनाव को हम दूर करें कैसे, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा सोचने का है। लेकिन फिर भी आज मैंने एक कहानी पढ़ी थी, मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। बहुत ही सिंपल लेकिन बड़ी अच्छी लगी मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूँ। उस कहानी में बताया था कि एक व्यक्ति जो था वो एक बैंक में मैनेजर था, और वो व्यक्ति जब घर आता था डेली, तो उसका घर जो था बड़े सुनसान इलाके में था, तो वहाँ पर उसने अपना बड़ा सा बंगला बनाया था, वहीं पर उसने एक अच्छा बगीचा बनाया था। और जब वो शाम को डेली घर आता था, तो उस समय घर के अंदर जाने के पहले वो क्या करता था कि उसके बगीचे में लगे एक पेड़ के पास, एक आम का पेड़ था, उसके पास जाता था और बस जैसे कुछ चीज़ें निकाल के वहाँ रख रहा हो ऐसे वो रखता था, बस सारी चीज़ें वो इस प्रकार से रख देता था। तो कुछ चोर लोग थे जो कि उसके वहाँ पर, मतलब उसके घर चोरी करने के इरादे से बराबर ध्यान रखते थे, तो उनने देखा कि ये व्यक्ति जब भी आता है तो आने के बाद ये व्यक्ति यहाँ पर बगीचे में जाता है और उस पेड़ के पास एक कुछ चीज़ ऐसे रख देता है, दबा देता। तो उन्हें लगा कि कुछ कीमती चीज़ है जो ये यहाँ दबा देता है। तो जब वो मैनेजर अंदर चले जाते थे अपने घर के अंदर, तो ये सारे चोर दो तीन जो भी थे ये जा करके उसके बगीचे में उस पेड़ के आसपास ढूंढते थे, खोदते थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। दो तीन दिन लगातार उन्होंने जब इसी चीज़ को देखा कि वो रोज़ आए नियम से और वहाँ जा करके कुछ रख दें और उसके बाद वो अपने घर चले जाए अंदर, और ये लोग ढूंढे रोज लेकिन इन्हें कुछ ना मिले, करते करते जब एक हफ्ता हो गया, आखिर में वो चोर लोग जो थे वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने निर्णय किया कि एक बार अब हम जा करके इस व्यक्ति से बात करेंगे, और वो उसके घर गए और उनसे बात की। उनसे बोले कि सर, हम आपसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने आए हैं, हम समझ नहीं पा रहे हम क्या करें, हमारा टेंशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है कि जब आप घर आते हैं तो आने के बाद आप सबसे पहले बगीचे में जाते हैं, हम नियमित देखते हैं कि आप वहाँ कुछ रखते हैं, लेकिन हमने जब भी चोरी के इरादे से वहाँ गए और हमने जब भी वहाँ खोदा ढूंढा पर हमें कुछ नहीं मिला, तो क्या चीज़ है, आप आखिर वहाँ क्या रखते हैं ऐसे? तो मैनेजर साहब ने जब ये सुना, उन्हें बहुत ज़ोर से हंसी आई। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ जो चीज़ रखता हूँ वो आप लोगों को इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि वहाँ कोई चीज़ नहीं होती है। जीवन में बहुत तनाव होते हैं, मैं जब काम पे जाता हूँ तो दिन भर कुछ ना कुछ छोटे मोटी परेशानियाँ, तकलीफ़ें आती हैं, और ये तनाव के कारण पहले मुझे शरीर में तकलीफ़ रहने लगी थी, कई तरह की बीमारियाँ मेरे शरीर में आ चुकी थी, मैं बहुत परेशान हो गया था। तब मुझे एक जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर खेतावत सर, उन्होंने बताया कि आपको अपने आप को तनाव मुक्त कैसे रखना है। तो मैंने बस उस प्रोसेस को फॉलो करना शुरू किया, और मैं जब आता हूँ तो आने के बाद सबसे पहले मैं अपना दिन भर का सारा तनाव जो होता है, सारे नेगेटिव विचार जो होते हैं, जो भी मेरे मन में परेशानियाँ होती हैं, चिड़चिड़ होती है, वो सब जा करके मैं उस पेड़ के नीचे रख देता हूँ, और उसके बाद मैं बहुत रिलैक्स होकर अपने घर चला जाता हूँ। मेरे परिवार वाले खुश रहते हैं क्योंकि वहाँ मैं कोई चिड़चिड़ नहीं करता, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं मुझे। और वही चीज़ जब मैं दूसरे दिन आता हूँ तो फिर से जो मेरे ऑफिस के तनाव होते हैं, जो मेरे बाहर के तनाव होते हैं, मैं फिर उनको वहीं रख देता हूँ। तो इसलिए मैंने देखा कि मेरे को अब सभी प्रकार की जो तकलीफ़ें मेरे शरीर में हो रही थी अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, मेरी दवाइयाँ कम होती जा रही, मुझे इससे बहुत लाभ मिल रहा है। तो क्यों ना आप लोग भी इस उपाय को करें, आप भी इस तरह की चीज़ों को देखें और पॉजिटिव वे में चलें। जब आप अपने लाइफ में एक पॉजिटिव उसमें चलेंगे तो आप खुद देखेंगे कि जीवन की सारी तकलीफ़ें आपकी कम होने लगेंगी।
जब चोरों ने ये सुना तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत अच्छी टिप्स है और हमें करना चाहिए, और उन्होंने भी मैनेजर साहब को वचन दिया कि आज से हम चोरी छोड़ करके और खुद कैसे तनाव मुक्त रहें और दूसरों को कैसे रखना है ये बताएंगे। तो यदि आपको ये बात पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के तनाव में है वो इस विधि को अपना करके अपने आप को तनाव मुक्त कर सकता है, अपने शरीर के रोगों को दूर कर सकता है, अपने जीवन को फिर से खुशियों से भर सकता है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएगी और आप अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ और हेल्दी रख सकेंगे। धन्यवाद।